नमस्कार, मैं हूं जूही वर्मा और आप देख रहे हैं भास्कर हिंदी। पश्चिम बंगाल का चुनाव हुए वक्त निकल चुका है और अब बात पांच राज्यों की चुनाव की है जिसमें सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है यूपी का चुनाव, जो मोदी सरकार योगी सरकार दोनों के लिए नाक का भी बड़ा सवाल है। अब इस चुनाव में वैसे तो ममता दीदी का कोई काम नहीं है क्योंकि टीएमसी इससे पहले कभी यूपी चुनाव लड़ी नहीं है, ना उनकी कोई वहां पर ऐसा वोट बैंक है जिसकी वजह से टीएमसी वहां पर पैर पसारने की सोचे। उसके बावजूद ममता बनर्जी वहां बिना जाए योगी का खेल खराब करने के लिए निकल पड़ी है। ये तमाम अटकलें इसलिए लग रही है क्योंकि फिलहाल ममता बनर्जी जब महाराष्ट्र पहुंची और उसके बाद अचानक सुर्खियों में राहुल गांधी और कांग्रेस ये सब आने लगे। प्रशांत किशोर का भी बयान आया कि कांग्रेस जो है वो मजबूत विपक्ष नहीं हो सकती, ममता बनर्जी ने यही समझाने की कोशिश की। हालांकि इससे पहले तक उनकी कोशिश ये रही कि किसी भी तरह बीजेपी सरकार को कम करना है, उसकी ताकत कम करना है, लेकिन जिस वक्त वो महाराष्ट्र पहुंची उस वक्त ऐसा भी लगा कि शायद वो बीजेपी से पहले कांग्रेस के सफाई के लिए ज्यादा काम कर रही है। अब वो उत्तर प्रदेश में नहीं है लेकिन उनकी याद लोगों को सता रही है। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने तो उनको न्योता भी दे दिया है कि वो जब चाहे चुनाव प्रचार के लिए आ सकती है और इसका बेस बना है वो चुनाव परिणाम जो ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में दिखाया। बीजेपी ने तमाम कोशिशें की, टीएमसी के तमाम नेताओं को तोड़कर बीजेपी ने शामिल किया जिसमें ममता बनर्जी के खासम खास शुभेंदु अधिकारी भी शामिल थे। उनके भतीजे पर, उनके भतीजे के परिवार पर अलग अलग जांच बिठाकर दबाव बनाने की कोशिश की पर ममता बनर्जी नहीं झुकी। नतीजा ये हुआ कि टीएमसी ने जोरदार वापसी की, सत्ता में वो बनी रही। हालांकि ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी से चुनाव हारी लेकिन इसके बाद अपनी पारंपरिक सीट नंदीग्राम से वापसी करने में फिर वो सफल भी हुई। अब अखिलेश यादव ने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल से बीजेपी का सफाया किया उसी तरीके से उत्तर प्रदेश से वो बीजेपी का सफाया करके दिखाएंगे। इसका आधार क्या हो सकता है ये तो अखिलेश ही बेहतर बता सकते हैं क्योंकि जब बीजेपी से अगर पश्चिम बंगाल से अगर बीजेपी का सफाया होता है तो मतलब साफ है क्योंकि वहां पर बीजेपी की जड़ें बहुत गहरी नहीं है पर उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जड़ें काफी गहरी है। इससे पहले बीजेपी की सरकारें रही है, कल्याण सिंह मुख्यमंत्री रहे, बाबरी मस्जिद ढहाने जैसा बड़ा काम उन्हीं की सरकार के दौरान हुआ था। इसके बाद योगी आदित्यनाथ वहां बखूबी 5 साल सरकार चला चुके हैं। आगे भी बहुत उम्मीद जताई जा रही है कि योगी ही चेहरा होंगे बीजेपी के चुनाव का और बीजेपी जितने सर्वे हुए हैं उसमें योगी ही सबसे ज्यादा आगे दिखाई दे रहे हैं। फिर अखिलेश यादव ये दावा किस बिना पर करते हैं कि वो ममता बनर्जी की तरह बीजेपी का सफाया कर देंगे। फिलहाल ऐसा कोई फैक्टर नजर नहीं आता है पर चुनाव है, कुछ भी हो सकता है। ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि क्या अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की ममता बनर्जी साबित हो सकते हैं। नमस्कार।